नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज के बारे में जो कि इंदौर में लोकेटेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कि अगर आप होलकर साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर मेरिट बेस पर एडमिशन हो सकता है। और इसके बाद हम बात करेंगे कोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से कोर्सेज इस कॉलेज में अवेलेबल हैं और फी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि यहाँ पर कट ऑफ कितना जाता है। तो सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप होलकर साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरिट बेस पर एडमिशन होते हैं। यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। तो यहाँ पर ई प्रवेश के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। मेरिट बेस पे यहाँ पे एडमिशन कराए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो अगर आप बीएससी करना चाहें और एमएससी करना चाहें तो आप यहाँ पे मेरिट बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे डीईटी करके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको डीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप बीएससी और एमएससी करना चाहें तो यहाँ पे मेरिट बेस पर एडमिशन होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे आप अगर हम बीएससी की बात करें तो यहाँ पे आप बीएससी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, बीएससी बोटनी, बीएससी फिशरीज, बीएससी एग्रीकल्चर से भी आप यहाँ से बीएससी कर सकते हैं, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, मीन्स बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन अब इसके बाद बात आती है फ़ीस के बारे में कि बीएससी की फ़ीस कितनी रहेगी। तो मैं आपको बता दूँ, बीएससी की जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो 11,200 होती है। 11,200 फ़ीस आपको लगती है होलकर कॉलेज की। और सेकेंड ईयर की भी आपको 11,200 लगेगी और थर्ड ईयर की यहाँ पर 10,200 रुपये लगती है। तो मीन्स यहाँ पर टोटल 32,000 से 33,000 तक की फ़ीस लगती है आपकी बीएससी की। देन इसके बाद आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें फ़ीस के बारे में, जो टोटल फ़ी आपको लगेगी, तो फ़ीस बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस ना के बराबर होती है, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अगर आप यहाँ पर मेरिट बेस पर एडमिशन लेते हैं, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर मेरिट बेस पर एडमिशन होते हैं। और अगर हम बात करें पीसीएम के बारे में, तो यहाँ पर अगर पीसीएम में आप एडमिशन लेना चाहें तो इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, जो कि एडमिशन थर्ड राउंड तक होते रहते हैं। एक तो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। फर्स्ट राउंड में अभी इस साल 2020 में 93 कट ऑफ गई थी। अब सेकेंड राउंड तो अभी फॉर्म फिलअप शुरू हुए हैं, तो अब इसके बाद इसकी भी कट ऑफ 85-86 के अराउंड जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीसीएम के अलावा और अदर कोर्सेज की, तो उसकी कट ऑफ कम जाती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ इस साल 83.6 गई थी। तो यहाँ पे अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके अबव 80% होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से हो, एससी एसटी की थोड़ी सी कम जाती है। अगर आप जनरल से हैं तो आपके 85% प्लस होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी से हैं तो 80% प्लस होना चाहिए, तब जाकर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम बात करें एससी एसटी के बारे में, तो अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके 75% होंगे या फिर 80%, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरिट बेस में एडमिशन होते हैं। तो आई होप वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और पर्सनली आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।